गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम लोग स्वर वर्णमाला और व्यंजन वर्णमाला के बारे में जानेंगे। स्वर वर्णमाला जिनकी मात्राएं बनती है। स्वर वर्णमाला में कौन कौन से अक्षर होते हैं? अ, आ, ई, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। ये सभी वर्ण स्वर वर्णमाला के अंतर्गत आते हैं। इसे उच्चारण करने के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें ई, इसे छोटी ई भी कहते हैं, इसे बड़ी ई भी कहते हैं, ऊ को छोटी ऊ भी कहा जाता है और इस ऊ को बड़ी ऊ भी कहा जाता है। अब व्यंजन वर्णमाला के बारे में जानेंगे। व्यंजन वर्णमाला जिन पर मात्राएं लगती है और इस व्यंजन वर्ण से शुरू होने वाले शब्दों को पढ़कर लिखेंगे। जैसे क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घर, च से चम्मच, छ से छतरी, ज से जहाज, झ से झरना, ट से टमाटर, थ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढपली, त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दवात, ध से धनुष, न से नर। ये सभी व्यंजन वर्ण है। इस प्रकार व्यंजन वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि क, क के उच्चारण में क और अ, इसके उच्चारण करने के लिए स्वर वर्ण की आवश्यकता पड़ती है। अब बाकी बचे हुए व्यंजन वर्णमाला के बारे में अगले दिन पढ़ेंगे। थैंक यू।